हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, साथ ही फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, कॉल जो हमने आपको रिकमेंड किए थे उसके परफॉर्मेंसेस, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 16,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 16,650 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 34,400 का सपोर्ट मिल रहा है और 35,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है CAMS, जहां पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2566 पर, स्टॉप लॉस 2489, पहला टारगेट 2680 और दूसरा टारगेट 2750 पर रख सकते हैं। फिर है LG इक्विपमेंट्स, जो नियर टू 52 वीक्स हाई है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 416 पर, स्टॉप लॉस 399, पहला टारगेट 440 और दूसरा टारगेट 460 पर रख सकते हैं। फिर है BPCL, यहाँ पर हायर वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 334.60 पर, स्टॉप लॉस 325.50, पहला टारगेट 348 और दूसरा टारगेट 360 पर रख सकते हैं। फिर है सन टीवी, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 440 पर, स्टॉप लॉस 424, पहला टारगेट 464 और दूसरा टारगेट 480 पर रख सकते हैं। इसके बाद है SBI लाइफ, जो मूव्ड अबव 200 ऐसे में है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1163 पर, स्टॉप लॉस 1125, पहला टारगेट 1220 और दूसरा टारगेट 1250 पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं इन दिनों उनका परफॉर्मेंस। TVS मोटर वेंट अप 3.5%, टच्ड फर्स्ट टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा वेंट अप 2.2% एंड ओबेरॉय रियल्टी वेंट अप 2.5%। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की। इसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज की, बजाज ऑटो और साथ ही STFC की। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी के ओलेमा फार्मास्यूटिकल्स एंड ओरिजिन डिस्कवरी टेक्नोलॉजीज न्यू कैंसर थेरेपीज डेवलप करेंगे। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो बोर्ड 14 जून को शेयर बायबैक कंसिडर करेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यानी कि STFC की बात करें तो STFC हैज सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म फंडिंग ऑफ $250 मिलियन फ्रॉम US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनकॉप। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।